ट्वेल्थ फेल मूवी तो मुझे लगता है कि आप सभी ने देख ली होगी। मनोज आईपीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं तब भी हताश नहीं होते और फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में ना उन्हें सक्सेस मिल भी जाती है। फिल्म को देखने के बाद हमको पता चल गया कि भाई यूपीएससी का जो एग्जाम है ना बहुत ज्यादा टफ है और इसको क्लियर करना ना उतना ही टफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अचानक से मैं ट्वेल्थ फेल मूवी और यूपीएससी की बातें क्यों करने लग गई। चलिए आपको ना इसका भी रीजन बता देते हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा ने ना ट्विटर यानी कि जो अब एक्स है उस पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट छेड़ दी है। लेकिन डिबेट क्या है ये जानने के लिए ना आपको एंड तक बने रहना होगा, वीडियो देखते रहना होगा ताकि कोई भी पार्ट ना आप मिस ना कर दे। तो चलिए फटाफट ना डिबेट पर बात कर लेते हैं। आनंद महिंद्रा ने एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पर एक ट्वीट किया और बताया कि देश के टफेस्ट एग्जाम के बारे में ना उन्होंने कुछ यूथ से बात की। उसके बाद आनंद महिंद्रा ने ये बताया कि जब उन्होंने यूथ से बात की ना तो उसमें से एक आईआईटी ग्रेजुएट आया और आईआईटी ग्रेजुएट ने ये बताया कि यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफ है। लेकिन यहाँ पर भी ना एक ट्विस्ट है क्योंकि जो द वर्ल्ड रैंकिंग है ना वो ये बताती है कि आईआईटी नंबर टू टफेस्ट एग्जाम है और उसके बाद नंबर थ्री में बारी आती है यूपीएससी की। और अपने ट्वीट में ना आनंद महिंद्रा ने जो टफेस्ट एग्जाम है ना टॉप 10 उनकी एक लिस्ट भी शेयर कर दी जिसके अकॉर्डिंग चाइना का जो गाओ काओ एग्जाम है वो वर्ल्ड का नंबर वन टफेस्ट एग्जाम है, यानी सबसे टफ एग्जाम दुनिया का चाइना का गाओ काओ एग्जाम है। और ऊपर से जो सेकेंड नंबर पर एग्जाम आता है वो है इंडिया का जेई एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम की जो बारी आती है वो आती है थर्ड नंबर पे। तो उस इंसान ने तो ये बोल दिया कि भाई यूपीएससी का एग्जाम है लेकिन ये रैंकिंग तो ये कहती है कि जेई एग्जाम ज्यादा टफ है। बस फिर क्या था, एक्स पर इसको लेकर बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई। कोई कहने लगा कि आईआईटी जेई टफ है तो कोई कह रहा है कि भाई यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफ है। एक यूजर ने इस बहस का हिस्सा बनते हुए एक इंसिडेंट शेयर कर दिया और बताया कि उनके एक रिलेटिव ने आईआईटी जेई का एग्जाम पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए ना उन्हें 4 अटेम्प्ट लग गए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके रिलेटिव है ना वो हमेशा ये कहते हैं कि यूपीएससी मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स है। खास बात तो ये रही कि इस बहस में इस डिबेट में ना सिर्फ कॉमन लोगों ने नहीं बल्कि जो आईएएस आईपीएस लोग है ना उन लोगों ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया और अपनी अपनी बातें बताई। एक यूजर ने तो ये भी कह दिया कि जो यूपीएससी का एग्जाम है ना वो स्टेमिना और पेशेंस का टेस्ट है जबकि जेई एग्जाम के साथ ऐसा नहीं है। वहीं एक और यूजर ने अपना मजेदार सा ओपिनियन दे दिया, उन्होंने कहा कि इंडिया का तो हर एग्जाम ही टफ है। अब देखिए ना, मतलब 20 वैकेंसी आई और आवेदन आ गए 2,00,000। अब यार इतनी सारी डिबेट के बीच तो हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई असल में कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है। क्या परसेप्शन वाला यानी कि यूपीएससी का एग्जाम टफ है या फिर जो रैंकिंग बताती है जेई वो वाला एग्जाम टफ है। अब आप ही मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला एग्जाम टफ है और साथ ही आप हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि भाई आपको क्यों लगता है कि जेई या फिर यूपीएससी दोनों में से कौन सा एग्जाम टफ क्यों है। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।